नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ये हमारे बनारस व्लॉग का पार्ट थर्ड है। तो इस व्लॉग में हम आपको बनारस में जो शेष चीज़ बच गई थी उसको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ के जो फेमस मंदिर हैं और जिस मंदिर की बहुत मान्यता है उन सभी को। सबसे पहला है हमारा काल भैरव मंदिर, जिसको अगर आप विश्वनाथ के दर्शन करते हैं तो काल भैरव के दर्शन करके ही आपकी यात्रा पूर्ण होती है। उसके बाद आपको मणिकेश्वर मंदिर, संकटा माता मंदिर और रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी एक अलग ही मान्यता है और एक अलग ही आर्किटेक्ट का एक नमूना है। तो इस सारे ब्लॉग में हम आपको ये सभी चीज़ दिखाने वाले हैं। तो आप सभी इस ब्लॉग में हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को देखें। वहाँ के समय हम निकल पड़ते हैं, माँ गंगा के दर्शन करते हैं और एक एक कप यहाँ पर हम चाय पीते हैं और माँ गंगा का दर्शन का आनंद लेते हैं। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम पैदल जा सकते हैं या फिर हम बोट से जा सकते हैं। तो हमने पैदल जाना ज़्यादा अच्छा समझा ताकि हम यहाँ के घाट भी देख पाएँ। वैसे हम यहाँ के घाट कई बार देख चुके हैं, इन्हीं दो दिन में हमने बहुत बार से घाट के चक्कर लगाए हैं, लेकिन यहाँ के कल्चर को देखने के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि सुबह का टाइम था, यहाँ सब दिनचर्या जो चलती है वो यहाँ चल रही थी। आप घाट को भी देख पाएंगे इस बहाने और अच्छा भी लगेगा। तो हम यहाँ मेन घाट पर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रयाग घाट। यहाँ पे सब पूजा अर्चना चलती रहती है, कोई मुंडन करा रहा होता है, कोई अन्य अपने पूजा कराता रहता है। तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको ये सब चीज़ ऐसा लगेगा जैसे मेला लग। लोग यहाँ से ना के ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर लोग दर्शन करने लगातार आते रहते हैं और यहाँ पर भीड़ जमा हमेशा रहती है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज हमारा सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है। कल हम पूरे यहाँ पर घूमे थे, जितने भी सब चीज़ हमने कवर कर ली। अभी हम पैदल चल चलते आए हैं और यहाँ पर आ गए हैं कॉरिडोर पे, जो नया वाला कॉरिडोर है। अब यहाँ से हम जाएंगे भैरव मंदिर और चंद्रकूप मंदिर। तो जो विश्वनाथ वाला घाट है उससे अगले घाट से वो रास्ता जाता है, तो ये मेन है, आगे जा रहे हैं यहाँ से। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये नया कॉरिडोर है जिससे आप विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हो। बहुत अच्छा बना हुआ है, रात की लाइटिंग मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आप देख लेना। तो अभी आप आगे जा रहे हैं मंदिर की ओर। इस कॉरिडोर से जब आप आगे चलेंगे तभी आ जाता है मणिकर्णिका घाट, ये आ चुका है अभी। ये मणिकर्णिका घाट है और इसके पीछे एक मंदिर, जस्ट इसके बराबर में ही है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि वर्ल्ड में जो एक पीसा की मीनार है वो 4 डिग्री पे झुकी हुई है, लेकिन ये जो मंदिर है इसकी खासियत यह है कि 9 डिग्री पे झुका हुआ है और ये 6 महीने पानी के अंदर रहता है और 6 महीने पानी के बाहर रहता है। तो ये एक वर्ल्ड में भी जो पीसा की मीनार है उससे इसकी तुलना की जाती है और ये उससे ज़्यादा झुका हुआ है जब भी यहाँ स्टेबल है आज तक। तो अभी हम खड़े हैं मणिकर्णिका घाट पे, उससे आगे एक मंदिर पड़ता है, देखिए ये मंदिर है। ये 6 महीने डूबा रहता है ज़मीन के नीचे, देखो इसका आधा हिस्सा ज़मीन के नीचे है। 6 महीने जब गंगा का लेवल ज़्यादा होता है तो डूब जाता है मंदिर पूरा नीचे। और एक मीनार है, मेरे याद नहीं आ, शायद पीसा का मीनार है जो तिरछी एक तरफ से टिल्टेड, ऐसे ही ये मंदिर एक तरफ की ओर टिल्टेड है और जब भी ये टिका हुआ है। इसका काम आधा अधूरा रह गया था इसलिए ये एक तरफ टिल्टेड है, आप देख पा रहे होंगे तिरछा है पूरा मंदिर। तो ये मणिकर्णिका घाट से आगे पड़ता है, ये बहुत फेमस मंदिर है। देखो हमने भी कल से अब तक बहुत सारे यहाँ पर घाट देख लिए हैं, 100 घाट बताते हैं कि 100 से प्लस घाट है यहाँ पर। सब घाटों पर अपने अपने मंदिर बने हुए हैं और जो मेन मंदिर है विश्वनाथ जी का वो नए कॉरिडोर पे बना हुआ है, मतलब ऐसे कई सारे यहाँ पर आपको घाट मिलेंगे। अभी हमें जाना है पंचगंगा वाले घाट पे जहाँ से काल भैरव के दर्शन करेंगे। आप वाया बोट भी जा सकते हैं वहाँ पर 300 रुपये देकर, या पैदल चल के जा सकते हैं। आप घाट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं सुबह सुबह ऐसे घूमते हुए, तो अच्छा रहेगा। यह होगा कि आप वाराणसी आए और आपने 84 घाट नाप दिए, ये भी अच्छा रहेगा। हमने मतलब नाप दे होंगे इतने घाट, बहुत सारे घाट हैं। ये आ चुका है गंगा महल, ये है संकटा घाट, इधर था सिंधिया घाट, ये देखिए ये भोसले घाट है। यहाँ पर काफ़ी सारे मराठा भी आए थे, अहिल्याबाई होलकर है, उन्होंने ये विश्वनाथ को दोबारा बनवाया था 1780 में, 1980 के आसपास इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। ये देखिए शानदार भी है यहाँ कुछ, जैसे प्राइवेट घाट ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ बैठने की सीटिंग दी गई है।
तो अभी हम आगे जा रहे हैं काल भैरव की ओर। यहाँ साइन बोर्ड दिख रहा है, हम गणेश घाट के बराबर से एक ऊपर सीढ़ियों से आए हैं। इस संकरी गलियों में ही पूरा काशी बसा हुआ है। इस समय हम पूरे ओल्ड काशी में हैं, अंदर छोटी गलियों में, बहुत छोटी छोटी सी गलियाँ होती हैं यहाँ पर, उससे जाते होंगे। तो सारी तंग गलियों से गुजर के बनारस की अब हम आ चुके हैं काल भैरव मंदिर। इसको ही करने से आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। अब दिखाते हैं मंदिर आपको। तो अभी हमने काल भैरव के दर्शन कर लिए हैं और कल हमने काशी के दर्शन करे थे, तो अब हमारी यात्रा ये पूर्ण हो गई। क्योंकि माना जाता है जब तक आप काल भैरव के दर्शन ना करें तब तक आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। हमने अंदर जाकर दर्शन कर लिया। आप जितना हो सके जल्दी आएँ क्योंकि ये बहुत नैरो गली है और बहुत भीड़ हो जाती है, मंदिर बहुत छोटा है, तो जल्दी से जल्दी आने का ट्राई करें सुबह के समय ही। भैरव के दर्शन करने के बाद अभी जा रहे हैं हम संकटा माता मंदिर पे आगे की ओर, वो भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। ये सभी मंदिर जो हैं, जो सारे पुराने मंदिर है, बहुत ही नैरो गलियों में है। जैसे हम अभी चल रहे हैं, बस इसमें तीन वाहन चल सकते हैं या दो, अगर तीन आदमी छोटे होकर चले, इतनी छोटी गलियां हैं। ये बिल्कुल पुराने काशी में ही हैं सारे मंदिर। अभी हमने दर्शन कर लिए हैं संकटा माता मंदिर के, अब आगे जा रहे हैं चंद्रगुप्त मंदिर की ओर, उसे भी कवर करेंगे, बताते हैं वहाँ की भी एक मान्यता है, वहीं चल के बताते हैं। अभी हम आ चुके हैं चंद्रगुप्त मंदिर में। ये कुएं की मान्यता है, इसमें जो जिसकी परछाई दिखती है वो जीतता है और जिसकी परछाई इसमें नहीं दिखती वो 6 महीने बाद मर जाता है। देखते हैं अब हमारा क्या होता है। जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती है दुनिया है। इसमें हमारी परछाई तो दिख रही है, तो हम तो सुरक्षित हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम अगले में। ये पीछे लिखी हुई इसकी कथा सारी मैं डाल देता हूँ, आप पढ़ लेना आराम से। अच्छा है आप आते हैं बनारस तो यहाँ भी जरूर आए। तो अभी हैं हम मणिकेश्वर मंदिर में, ये पड़ता है जहाँ ही मणिकर्णिका घाट है इसके बराबर में ही। और यहाँ की मान्यता ये है कि बहुत पुराना शिवलिंग है और यहाँ जो शिवलिंग है वो 40 फुट नीचे है। बनारस आते हैं तो यहाँ मणिकेश्वर मंदिर जरूर आएँ। ये मणिकर्णिका घाट से आगे ही पड़ता है और ये सारे मंदिर हजारों की तादाद में हैं यहाँ पर, और ये अंदर ही हैं बनारस की छोटी गलियों में। तो आपको पूछना पड़ेगा लोकल से, वो आपको आराम से बता देंगे ये रहा मंदिर यहाँ। अभी हम आगे, हमने जितने भी अभी आज सुबह सारे मंदिर कवर करे हैं, जिसमें संकटा माता मंदिर, भैरव मंदिर, मणिकेश्वर मंदिर, ये सब चीज़ हमने कवर कर ली है। आप रास्ता पूछते रहें और चलते रहें। अभी हमारे यहाँ पर पूरे हो गए हैं दर्शन, अभी हम देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। आगे का राजघाट भी जा सकते हैं या बाहर भी निकल सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें आज सारनाथ भी कवर करना है। मतलब यहाँ के लोगों में क्या है, यहाँ सुबह ही सब पूजा करते हैं बैठ के, मतलब सारे लोग, क्योंकि मंदिर इतने यहाँ पे, तो सभी लोग सुबह सुबह ही पूजा करने निकल जाते हैं। आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर आपको घंटों की आवाज़ सुनाई देंगी, लोग आपको सब पूजा करते हुए दिखाई देंगे।
ये देखिए कितना पुराना मंदिर है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, मैं दिखाता दिखाता भी थक जाऊँगा आपको, सैकड़ों की तादाद में है मंदिर। यहाँ भी इतना घूम लिया वैसे तो, लेकिन हमें जब भी रास्ते याद नहीं हो रहे, यहाँ GPS भी फेल हो जाएगा मुझे तो ऐसा लगता है, इतनी नैरो गलियाँ हैं भाई। एक बार घुस गए तो निकलना महाभारत है, लोगों से पूछना ही पड़ेगा। जैसा फिर हम रुक गए, हम भी पूछ पूछ के जा रहे हैं, हर मोड़ पर पूछना पड़ता है, कुछ तो याद हो गए लेकिन जब भी इतना कन्फर्म नहीं है। मंदिर तो याद हो गए, अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी होता है, उसे ढूंढते ढूंढते जाते हैं। जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो होगी सारनाथ की। आज हम आए हुए हैं सारनाथ में स्तूप के पास, ये है धामे के स्तूप जहाँ पर बुद्ध जी ने आकर पहले उपदेश दिया था।